अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बुरी नज़र से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन, और फ्रॉड से भी बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वैकेंसी जो इमीडिएटली मतलब ये समझने के तरीके से हायरिंग चल रही है, इसके बारे में तो मैं ऑब्वियसली बात करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले ज़रा एक चीज़ आप लोगों के साथ ज़रा दो मिनट डिस्कस कर लूँ। दो दिन पहले मैंने एक जॉब वैकेंसी डाली थी, वॉक इन इंटरव्यू जो चल रहे थे दुबई के अंदर सिक्योरिटी गार्ड के, ठीक है, और उसकी तमाम डिटेल्स बना के मैंने वीडियो में डाली थी। तो लोग जो है मेरी वीडियो देखने के बाद जब वहाँ पे गए तो उनको पता चला, किसी से उन्होंने 1000 दरहम मांगे, किसी से उन्होंने 1500 दरहम मांगे, किसी से उन्होंने 2000 दरहम मांगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा माजरत, ठीक है, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। मेरी नीयत सिर्फ आप लोगों के साथ जॉब शेयर करनी थी कि वहाँ जाएँ, नसीब अप्लाई करें, कोशिश करें, हो सकता है आपके लिए बेहतरी वाले मामला हों। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इस मामले में कि ये लोग फ्रॉड करेंगे। सोचे जब मैं इतने साल से यहाँ पर हूँ, जब मैं उन लोगों को नहीं समझ सका, पकड़ सका, टिक कर सका, तो आप लोग कैसे करेंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करी, ये समझ लें उसके अगले दिन ही जो है ना, मुझे एक दोस्त की कॉल आई कि यार दानिश ऐसा सा सीन हो गया उसके अंदर जो ना, तो मैं हैरान हो गया, हक्का बक्का हो गया। मैंने फिर फ़ौरन से वो वीडियो डिलीट करी, क्योंकि बहुत सारे लोग मिसलीड होंगे, मेरे पे बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट है, और ये मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं कभी ज़िंदगी में जो है ना, आप सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे भाई और मेरी बहनें हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं। तो मैं कभी ज़िंदगी में ऐसा सोच भी नहीं सकता कि यार मैं कभी आप लोगों के साथ जो है इस किस्म का जो है कोई काम करूँ, क्योंकि जो है ऑब्वियसली अल्लाह तो देख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी जॉब्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो टोटली फ्री होती हैं, टोटली फ्री होती हैं। एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लें आज से, ठीक है ना, हमेशा से मैं बताता रहा हूँ, आज से दोबारा बता रहा हूँ, जितनी जॉब्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो सब फेयर होते हैं। कभी ज़िंदगी में अगर आपसे कोई पैसा मांगे, चाहे वो वीज़ा का हो, चाहे वो इंटरव्यू का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, किसी चीज़ का पैसा मांगे, कभी भी मत देना, कभी भी मत देना, इन ऑल दैट क्लियर कर दिया। क्योंकि लोगों के जब कमेंट आते हैं ना, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि कितना दुखता होगा ऑब्वियसली कि लोग पेंडेमिक का फ़ायदा उठा के जो है ना वो इस तरीके से फ्रॉड कर रहे होते हैं, इन ऑल दैट। बहरहाल नेक्स्ट टाइम जो है बी केयरफुल, कभी भी कोई पैसा मांगे, इंटरव्यू के लिए जाएं आप, ज़रूर जाएं, पैसा मांगे उठ के वापस आ जाएं, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। वाइल सर्चिंग जॉब हमने भी करी है, सब करते हैं फेस, ठीक है ना, आपने भी करनी पड़ेगी। बहरहाल टोटली फ्री होती हैं, पैसा कभी नहीं देना। अच्छा, सीन ये चल रहा है दुबई के अंदर, यहाँ पे दुबई, शारजा, अजमान, फजैरा, अबू धाबी, हर जगह एक बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है जेम्स एजुकेशन, ठीक है, जेम्स एजुकेशन। इसके अंडर ना, इसके अमरेला के अंडर बहुत सारे स्कूल आते हैं, बहुत सारे स्कूल आते हैं, ठीक है, और जैसे कि जेम्स विंचेस्टर स्कूल, जेम्स आर होन इंडियन हाई स्कूल, जेम्स आर ओन हाई स्कूल, ठीक है, और कैम्ब्रिज स्कूल, बहुत सारे स्कूल आते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक बड़े पैमाने पर हायरिंग हो रही, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इन्होंने फारिग किया था पेंडेमिक की वजह से, तो अब ऑब्वियसली ऐसा ऐसा वैकेंसीज खोल रही हैं। अच्छा, इसके अंदर ये समझ लें प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, स्कूल डॉक्टर, और जो है एडमिशन काउंसलर, ठीक है, और फिज़िक्स टीचर, मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर, आर्ट्स टीचर, बहुत सारे टीचर्स जो भी टीचिंग के हवाले से इंटरेस्टेड है, ये वैकेंसीज पूरे यूएई के अंदर है, समझ लें दुबई, शारजा, अजमान, अबू धाबी, रास अल खैमा, फुजैरा, हर जगह है, बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो वैकेंसीज भी बहुत सारी हैं, ठीक है। टीचर्स के हवाले से पहले मैं बता दूं, टीचर्स का यहाँ पे वो स्कोप है जो शायद ही किसी का हो, मतलब इलीट इलीट क्लास जॉब होती है यहाँ पे टीचर्स ना, ये समझ लें जो रिस्पेक्ट एक पुलिस वाले, एक पुलिस मैन को यहाँ दी जाती है ना, वैसे ही टीचर को यहाँ पर दी जाती है। अच्छा, बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं, अगर इंडिविजुअल है तो फर्निश अकोमोडेशन शेयरिंग बेसिस पे मिल जाती है, ठीक है, एक साल का टिकट होता है, रिटर्न टिकट होता है, तो 10 महीने की जॉब होती है, ठीक है, 10 महीने स्कूल खुले रहते हैं, और सैलरी 5-6 हज़ार दरम स्टार्टिंग सैलरी होती है, सैलरी बहुत अच्छी होती है बेनिफिट्स के अंदर, और बेतहाशा अगर आपके बच्चे मैरिड हैं तो आपके बच्चों की स्कूलिंग भी समझ लें 50-80% फ्री में होती है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो टीचिंग के हवाले से जो है ना, यहाँ पर बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा स्कोप है। एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, ये लोग मास्टर्स मांगते हैं और कंचा पीस मांगते हैं, ये समझ लें, मास्टर्स हो या बैचलर्स ऑफ एजुकेशन हो, जो भी जिस फील्ड में आप, जिस कैटेगरी में, जिस उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं सब्जेक्ट में, उसके अंदर आपका मास्टर्स या ग्रेजुएट होना चाहिए, 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी अच्छे रिप्यूटेड स्कूल में आप ऑलरेडी जॉब की भी हो, आप इंडिया में, पाकिस्तान में कहीं भी हो, आप यहाँ भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक इस वेबसाइट का जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अगेन, कभी ज़िंदगी में किसी को पैसा पे मत करना, कभी पे मत करना, चाहे ऑनलाइन से भी अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू की कॉल आती है, जाए बैठे, अच्छी लेजिट कंपनियां, कभी भी कंपनीज जो हैं कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगती है, वीज़े का, टिकट का, मेडिकल का, किसी चीज़ का भी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, प्लीज़ अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरा काम था जॉब शेयर करना और मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।